इसलिए कि बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जो कि मौसीकी समझते हैं या मौसीकी को समझना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ वो बखला उड़ी सुनते हैं, हंसी मजाक मजाक काम भी गा लेते हैं, लेकिन गाना बहुत मुश्किल काम है। यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी दे दी मुझे अभी तक साल लगाना नहीं होता, ये इतना मुश्किल काम है। अगर कोई कहता है मुझे आता जरूर बोलता है। बहरहाल ये आप लोग का हौसला है, आप लोग लेकर चल रहे हैं इसको, अल्लाह आपको तरजीह दे। मैं तो काम सिखाने में अपने गैट में सीखा हूँ, बाकी अनिशा है, ये है उसका आसपा है, आप लोग सब है मतलब रौनक आप लोग ने लगा। और कोई भी आर्टिस्ट खराब नहीं आपको, कोई खराब नहीं खराब नहीं। मैं आपको इतना साथ दे दूँ, आप बगीचे में जाइए, जब फसलें फूल होती है तो लोग खाते नहीं, जब फूल लगे होते हैं है ना, तो आप उसे बड़े गौर से नोटिस करें कैसा है, ये कैसा है, किसी में कुछ हो किसी में नहीं है। तो इसी तरह आर्टिस्ट है, अगर एक रंग के साथ जाऊँगा तो वो किसी को सुनेगा, या आप देखेंगे उसे पसंद करेंगे, अभी तक तो वही है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सबकी आवाज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखी है कि वो उसका अपना अंदाज बना दे। तो लोग बहुत यार लता को सुना है, नया मोजा सुना है, रफी को सुनना है, तो ये अल्लाह का दिया हुआ गला है और अता है उसका। लिहाजा ये है कि हर एक का अपना अंदाज है, कोई बुरा नहीं बुरा, सब अपने जगह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखें अगर बुरे को सुनोगे तो आपको तमीज होगी, आदमी का गाना सही नहीं गाया, मतलब आप इसलाह होता होता आप सीख रहे हैं। मैं आर्ट काउंसिल गया था, मेरा शो था बस आर्ट आर्ट चला फर्स्ट क्लास हुआ, हाँ तो मेरे पास गार्ड नहीं था, गेट पर इस्लामाबाद के लोग खड़े हो गए, अगर मैं गार्ड है मैंने लगे वो कागो है, बोले भाई ये साल रुक गया, अच्छा अच्छा आप तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगे आगे बढ़ाया। तो मैं सुनने गया था उनको, तो वहाँ मुझे हिसाब कर लिया था आपने यहाँ क्यों आए, क्यों आए, मैंने बोला यार मैं सीखने आ गया। अच्छा आपकी बुरी जगह छोड़ छोड़ जो आपने अच्छी की उसको याद करें, सीखा सीखा बहरहाल आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने वक्त दिया आपको, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तमाम तमाम हमारे सैयद साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए। मैं एक गाना मैं आपको सुना